हाय डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एस्ट्रो के आईयूपीएसी तथा साधारण नाम याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और इस प्रकार हम एस्ट्रो के नामकरण, आईयूपीएसी और साधारण किस प्रकार करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि एस्टर, इसका सूत्र होते हैं COOR, इसका अनुलग्न होते हैं एल्किल ओएट। हमें नोट में पहले इतना याद रखना पड़ेगा कि यदि SCO सूत्र आता है तो इसके लिए हम साधारण नाम में फार्मेट लिखेंगे तथा इसी प्रकार यदि CH3CO आता है तो इसके लिए हम एसीटेट लिखेंगे साधारण नाम में। इस प्रकार हम एस्ट्रो के लिए इस तरफ क्रम संख्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका सूत्र लिखेंगे, यहाँ पर साधारण नाम लिखेंगे, साधारण नाम और अंत में इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट है HCOOCH3। देखो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, इसके लिए हम फॉर्मेट लिखेंगे। ये मैथिल हो गया, साधारण नाम के लिए इसका नाम हो गया मैथिल। पहले इसका एल के लिख लो और जी मैथिल फॉर्मेट, और इसका आईयूपीएसी नाम होगा, पहले इसका एल्किल लिखो क्योंकि आईयूपीएसी में अनुलग्न है, इसका एल्किल ओए। पहले इसका एल्किल लिखेंगे, एल्किल इसका मैथिल है। अब इसके बाद कार्बन की काउंटिंग यहाँ से करेंगे। काउंटिंग के कार्बन जो है बीच में दो ऑक्सीजन होने पर कार्बन श्रृंखला तोड़ने के कारण इससे कार्बन ये काउंट नहीं करेगा इसमें, बल्कि एक ही कार्बन है, इसके लिए मैथेन लिखेंगे। एल्केन एल्किलोएट होता है, इसमें ओएट जोड़ देंगे, इसका अनुलग्न। इस प्रकार इसका नाम होगा मैथिल मैथेनोएट। इसी प्रकार नंबर दो पे HCOOCH2CH3, ये इतना सूत्र हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, C2H5 भी कह सकते हैं हम इसे। ये इतना तो फॉर्मेट है HCO और यह है एथिल, तो साधारण नाम होगा इसका एथिल फॉर्मेट, एथिल फॉर्मेट। और इसका नाम आईयूपीएसी नाम जो होगा ये एथिल है, इसका एल्किल, तो ये तो एथिल हो गया, और इसमें एक ही कार्बन है, उसके लिए मैथेनोएट होगा, मैथेनोएट, क्योंकि मैथेनो ओएट जुड़ देगा इसका अंदर, मैथेनो एट हो जाएगा। इसी प्रकार CH3COOCH3, तो ये इसका एल्किल मैथिल है साधारण नाम में मैथिल, और जैसे कि मैंने कहा था कि CH3COO के लिए हम एसीटेट लेंगे, मैथिल एसीटेट इसका साधारण नाम होगा। और इसका आईपीसी नाम 1, 2, इसका एल्किल मैथिल है, मैथिल दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथेन, और इसका अनुलग्न ओएट, मैथेनोएट हो गया। इसी प्रकार CH3COO CH2CH3, इसका साधारण नाम होगा इतना हम, ये एथिल है, एथिल लिखेंगे इसका, और इसे मैंने पहले ही बताया है, ऐसे साधारण नाम में एसीटेट लिखेंगे। इस प्रकार इसका आईयूपीएसी नाम एथिल, दो कार्बन के लिए एथेनोएट, इसका एथिल एथेनोएट इसका आईयूपीएसी नाम होगा। इसी प्रकार बेंजीन स्ट्रक्चर में
CH3, इसका नाम होगा मैथिल और यह होगा इतना बेंजोएट। यदि बेंजीन स्ट्रक्चर पर CO होगा तो उसके लिए मैथिल बेंजोएट होगा। दूसरा इसके लिए COO CH2 CH3, तो इसका ये एथिल होगा और इतना इसका बेंजोएट होगा। एथिल बेंजोएट इस प्रकार कुछ एस्ट्रो के IUPAC नामकरण के उदाहरण इस प्रकार है। जैसे एग्जाम्पल CH3 COO CH3 CH CH2 CH3। अब हमारे यह क्रियात्मक समूह इस तरफ से पास है इसलिए इसका नाम यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4, और इसका IUPAC नामकरण इस प्रकार होगा 2 पर मैथिल, क्योंकि पहले हम फासल श्रृंखला या प्रतिस्थापक समूह को लिखते हैं 2 मैथिल। और इसके बाद इसका एल्किल, इसमें एल्किल है, ये मैथिल लिखेंगे, इसे डाईमैथिल नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। 2 मैथिल मैथिल 4 कार्बन है, 4 कार्बन पे ब्यूटेन ब्यूटेनोइड, इसका IUPAC नाम इस प्रकार ये होगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 CH3 CH2 COO C2H5 CH2 CH3। अब क्रियात्मक समूह यहाँ पर है, क्रियात्मक समूह की ओर से ही हम काउंटिंग को शुरू करेंगे 1 2 3 4। हम इसमें लंबी श्रृंखला देखते हैं 2 3 4, दोनों तरफ इतने हो गए। यदि इस तरफ काउंटिंग करेंगे तब भी 2 पर 3 4 हो गए, इसलिए इसका IUPAC नाम इस प्रकार होगा 2 एथिल यहाँ पर टू एथिल, और इसके लिए एथिल और ब्यूटेन ब्यूटेन